हे गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आप लोग मुझे हमेशा कमेंट्स में पूछ रहे थे कि भाई 1000 रुपये के अंदर, 1500 रुपये के अंदर या फिर 2000 रुपये के अंदर सबसे बेस्ट नेकबैंड कौन सा है। तो आज के इस वीडियो में आपको 800 रुपये शुरू करके 2500 रुपये के अंदर आने वाला 6 ऐसे नेकबैंड बताऊंगा जो कि डेफिनेटली आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। इन सभी नेकबैंड को मैंने बहुत लंबे समय तक यूज़ किया हुआ है, चैनल पर हमारा वीडियोज भी है, तो उसी के बेसिस में मैं आपको कहूँगा। एंड साथ में अगर आपका मेन प्रायोरिटी गेमिंग है या फिर कॉलिंग है या फिर साउंड है, तो उसके हिसाब से पर्टिकुलरली आपको कौन सा चूज करना चाहिए इन सभी में से, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। 10,000 सब्सक्राइबर के आसपास हम लोग पहुंच गए, तो जितना जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करेंगे उतना ही जल्दी ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विद्यान, आप देख रहे हैं बी इनसाइड, लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप सिर्फ आपके बजट के हिसाब से ही कौन सा बेस्ट है वो आप देखना चाहते हैं, तो नीचे मैंने चैप्टर ऐड कर दिया है, तो वहां से जाके आप आपके बजट को पर्टिकुलरली देख सकते हैं। और साथ में जितना भी एयरफोन के बारे में आपको बताऊंगा उन सभी का डिटेल रिव्यू वीडियो का लिंक और जो बेस्ट बाइंग लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो वहां से जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा जो भी एयरफोन आप परचेस करना चाहते हैं। चलिए दोस्तों नीचे से स्टार्ट करते हैं। अगर आपका बजट 1000 रुपये है तो मार्केट में आपको बहुत सारा नेकबैंड तो मिल जाएगा, बट मेरे हिसाब से सबसे वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है मीभी की तरफ से आने वाला मीभी कॉलर क्लासिक। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको जो फीचर्स मिलते हैं वो आपको बहुत ज्यादा खतरनाक मिल जाता है, जो 1000 रुपये के किसी भी ईयरफोन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड सेल के टाइम पे इसका प्राइस 799 रुपीज भी हो जाता है। अगर बात करूँ इसके फीचर्स के बारे में, तो सबसे बेस्ट फीचर्स है कि यहाँ पे आपको 24 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है। आप 24 घंटे तक इसको यूज कर सकते हैं। मैंने खुद पर्सनली यूज किया है, तो उसी के बेसिस में मैं आपको कह रहा हूँ। और साथ में जो साउंड क्वालिटी वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। जो ट्रबल टाइप का साउंड है ना, वो इसमें काफी अच्छा आपको सुनने को मिल जाता है। तो अगर आप रोमांटिक टाइप का सॉन्ग सुनना पसंद करता है तो ये ईयरफोन आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। बिल्ड क्वालिटी वो भी मुझे इस बार बहुत अच्छा लगा। मीभी का बहुत सारा ईयरफोन मैंने यूज किया हुआ है बट उसका बिल्ड क्वालिटी मुझे अच्छा नहीं लगा था, बट इसका बिल्ड क्वालिटी मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा है। एंड IPX5 का रेटिंग भी मिल जाता है, तो हल्का फुल्का पानी या फिर स्वेट से कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। और इस मीभी कॉलर क्लासिक को अगर आप 10 मिनट चार्ज करेंगे तो 10 घंटे तक इसको यूज भी कर सकते हैं। आपको ड्यूल पेयरिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है, एक साथ में आप दो डिवाइस के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। एंड कॉल क्वालिटी भी आपको काफी डिसेंट मिल जाता है। बट हाँ, मेरा जो यूनिट था उसमें कॉलिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। पहला 10-15 सेकंड तक उल्टा साइड में साउंड नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने उसको रिटर्न कर दिया था। बट बाद में मैंने बहुत सारे यूजर से पूछा है एंड सभी ने कहा है कि कॉलिंग में उनको कोई भी प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ता है। इसीलिए ही मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, वरना मैं सजेस्ट नहीं करता। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से अगर आप 1000 रुपीज के अंदर एक ईयरफोन खरीदना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बट अगर आप पंची बेस्ट टाइप का गाना सुनना पसंद करते हैं, ये आपका मेन प्रायोरिटी है, तो आप बोट रॉकर्स 235 V2 को परचेस कर सकते हैं। इसमें आपको जो बेस है वो बहुत ज्यादा पंची देखने को मिल जाता है एंड इसका प्राइस भी आपको 1000 रुपए के अंदर ही मिल जाता है। बट इसका जो बैटरी बैकअप है वो आपको 7-8 घंटे से ज्यादा नहीं मिलता है। इन दोनों ईयरफोन का डिटेल कंपैरिजन वीडियो साथ में डेडिकेटेड वीडियो भी हमारे चैनल में अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जो भी ईयरफोन आप परचेस करना चाहते हैं वीडियोस को एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अगर आपका बजट 1500 रुपए है और आप एक ऐसा नेकबैंड चाहते हैं जहां पे आपको साउंड क्वालिटी के साथ साथ गेमिंग का एक्सपीरियंस भी आपको अच्छा मिले, तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन है रिसेंटली लॉन्च हुआ रियलमी की तरफ से रियलमी बर्ड्स वायरलेस 2 नियो। 1400 रुपए प्राइस के अंदर आता है। यहाँ पे आपको अलग से गेम मोड मिल जाता है जहां पे आपको 88 मिलीसेकंड का लैटेंसी बताया गया है। एंड मैं जब इसे गेम खेला तो मुझे लैटेंसी जो है वो बहुत ही कम मिल रहा था। एंड साथ में यहाँ पर आपको 11.2mm का एक बेस बूस्टर ड्राइवर मिलता है, तो यहाँ पे जो साउंड क्वालिटी वो भी आपको बहुत ज्यादा अच्छा मिल जाता है। इसके अलावा रियलमी लिंक ऐप का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो वहां से जाके भी आप साउंड क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं। जो बटन का फंक्शन है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। एंड जो कॉल क्वालिटी वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। एंड अगर बात करो बैटरी बैकअप के बारे में, तो करीब 14 घंटे के आसपास आपको यहां पे बैटरी बैकअप मिल जाता है। और साथ में इसमें आपको मैग्नेटिक ऑन ऑफ, यानी कि जैसे ही आप एयर प्लग को अलग करेंगे तो ये पावर ऑन हो जाता है, एंड जैसे आप एक साथ में रख देंगे तो ये स्विच ऑफ हो जाता है। अलग से आपको पावर ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ता है, तो ये फीचर्स भी आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। तो डेफिनेटली अगर आप 1500 रुपए के अंदर एक कंप्लीट ईयरफोन चाहते हैं जहां पे आपको गेमिंग का एक्सपीरियंस भी बेटर मिले, कॉलिंग का एक्सपीरियंस भी बेटर मिले, साउंड क्वालिटी भी आपको बेटर मिले, साथ में आपको जो बैटरी बैकअप है वो भी आपको अच्छा मिले, तो इससे ज्यादा बेटर आपको एक्सपीरियंस कोई भी ईयरफोन नहीं दे पाएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएगा जहां से आप इसका प्राइस चेकआउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों ये बात करते हैं बेस लवर के बारे में। दोस्तों बहुत सारे यूजर है जो पंची बेस टाइप का गाना सुनना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, और जब भी बात है बेस टाइप के ईयरफोन के बारे में तो बोट सबसे ऊपर में आता है। एंड इसीलिए बोट आज इंडिया का नंबर 1 ईयरफोन कंपनी भी बन चुका है। तो अगर आप पंची बेस टाइप का गाना सुनना पसंद करते हो तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन है बोट के तरफ से आने वाला बोट रॉकर्स 335 स्मार्ट बड एडिशन। ये यहां पे पड़ा हुआ है, ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इसके ईयर प्लग में आपको मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर मिल जाता है। इसमें आपको 10mm का ड्राइवर दिया गया एंड जो साउंड
साउंड क्वालिटी है ना, जो बेस है वो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा पंची मिल जाता है, एंड साथ में आपको जो वोकल्स है वो भी आपको काफ़ी क्लियर मिलता है, बट जो ट्रबल्स है वो आपको हल्का सा कम मिलता है। लेकिन अगर आप बेस टाइप का गाना सुनना पसंद करते हैं तो उससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और ये ऐसा ईयरफोन ही जहाँ पे आपको सिर्फ बेस ही अच्छा मिल रहा है, जो कॉलिंग का एक्सपीरियंस है वो मुझे बहुत ही यहाँ पर तगड़ा लगा है, जो अदर साउंड है उसको ये बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देता है जब भी आप फोन में बात करते हैं। और साथ में इसमें आपको 30 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है, मतलब कि अगर आप एक बार चार्ज करेंगे तो आप 7 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। और जो बिल्ड क्वालिटी वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा है, डुअल पेयरिंग का सपोर्ट मिल जाता है, आपको IPX5 का रेटिंग भी मिल जाता है, 10 मिनट आप इसको चार्ज करेंगे तो 10 घंटे तक इसको यूज़ कर सकते हैं। सोवरली एक बहुत ही खतरनाक सा ईयरफोन है, बट अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो इसको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा लेटेंसी देखने को मिल जाता है, बट बाकी सारे कंडीशन में ये ईयरफोन मुझे बहुत ज़्यादा तगड़ा लगा है, तो आप बिल्कुल भी इसको परचेस कर सकते हैं। सारा डिटेल्स तो मैं इस वीडियो में नहीं कह सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसका जो डिटेल रिव्यू वीडियो है उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप इसके बारे में इंटरेस्टेड है तो वीडियो को एक बार जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। और इसका नॉर्मल प्राइस है 1600 रुपये, बट ऑफर के टाइम पे ये आपको 1300 रुपये भी मिल जाता है, तो लिंक भी दिया हुआ है जहां से आकर आप चेकआउट कर सकते हैं किस प्राइस में ये अभी अवेलेबल है, तो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप 2000 रुपये के अंदर एक ऐसा ईयरफोन चाहते हैं जहां पे साउंड क्वालिटी आपको सबसे बेस्ट मिले, तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन है ओप्पो की तरफ से आने वाला ओप्पो एंको M31। इसमें आपको 9.2 mm का ड्राइवर मिलता है, बट जो साउंड का ऑप्टिमाइजेशन है ना वो आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। बेस आपको यहाँ पर डीप तरह का मिलता है, बट जो ट्रबल्स है, जो वोकल्स है वो आपको बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर देखने को मिलता है। इसमें आपको इल्डेक हाईरिज ऑडियो का सपोर्ट भी मिल जाता है, सो डेफिनेटली अगर आप साउंड क्वालिटी के हिसाब से एक बेस्ट नेकबैंड खरीदना चाहते हो तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और साथ में इसका जो बिल्ड क्वालिटी वो भी आपको बहुत अच्छा मिल जाता है, आपको मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर्स भी यहाँ पर मिल जाता है, IPX5 का रेटिंग भी है, जो कनेक्टिविटी है वो भी आपको काफी अच्छा मिल जाता है। बट इसका जो मेन प्रॉब्लम है वो है इसका बैटरी, यहाँ पे आपको सिर्फ 88 mAh का एक बैटरी दिया गया है। कंपनी का दावा है कि 12 घंटे तक आप इसको यूज कर सकते, बट अगर आप इल्डेक मोड को ऑन करके यूज करते हैं तो 6-7 घंटे से ज्यादा बैटरी बैकअप आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। सो अगर बैटरी बैकअप से आप मैनेज कर सकते हैं तो ये आपको सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा साउंड क्वालिटी के मामले में, इससे ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस आपको किसी भी ईयरफोन में देखने को नहीं मिलेगा अंडर 2000 रुपीज में टिल टूडे। तो दोस्तों अगर आपका बजट 2000 रुपये है तो यहाँ पर आपको मार्केट में ढेरों ऑप्शन मिल जाता है, बट आज के दिन पे भी मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन है वन प्लस की तरफ से आने वाला वन प्लस बुलेट जी वायरलेस बेस एडिशन। इसका प्राइस है 2000 रुपये, ऑफर के टाइम पे ही आपको 1800-1900 रुपये भी मिल जाता है। इसमें आपको जो साउंड क्वालिटी मिलता है ना वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, एक साल से मैं करीब इसको यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको कह रहा हूँ। यहाँ पर भी आपको 9.2 mm का ही ड्राइवर मिलता है, बट जो बेस है वो आपको थोड़ा पंची, थोड़ा डीप टाइप का, और साथ में जो वोकल्स है वो आपको बहुत क्लियर मिलता है, जो ट्रबल्स है वो आपको बहुत ही अच्छा मिल जाता है, एंड जो कॉल क्वालिटी है वो भी आपको काफी अच्छा मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी भी बहुत यार कि नेक से इतना अच्छे से ये एडजस्ट हो जाता है ताकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके नेक के ऊपर कुछ रखा हुआ है, एंड जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। बैटरी बैकअप भी आपको यहाँ पे 14-15 घंटे के आसपास मिल जाता है, एंड मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर्स भी यहाँ पर आपको मिल जाता है, एंड साथ में वन प्लस का लोगो जो कि इस ईयरफोन को एक प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर देता है। सो डेफिनेटली अगर आप 2000 रुपीज के अंदर कोई ईयरफोन खरीदना चाहते हो तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बट हाँ, अगर आप वन प्लस का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो उससे आप अच्छे से इसमें गेम भी खेल सकते हैं, बट अगर आप दूसरे कोई ब्रांड का मोबाइल यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको गेम में थोड़ा बहुत लेटेंसी देखने को मिल जाएगा। अगर आप एक कैजुअल गेमर है तो आप इसके साथ खेल सकते हैं, बट अगर आप प्रो गेमर है तो उसके हिसाब से मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा। बट अदर्स कंडीशन में ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सा ईयरफोन है, जो बिल्ड क्वालिटी है, जो साउंड क्वालिटी है, जो कम्फर्ट है, जो बैटरी बैकअप है वो आपको इसमें बहुत ही अच्छा मिल जाता है। सो डेफिनेटली आप इसको परचेस कर सकते हैं, सेल के टाइम पर इसका प्राइस 1800-1900 रुपये के आसपास हो जाता है। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जहाँ से जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं करंट प्राइस अभी क्या चल रहा है। चलिए दोस्तों, फाइनली बात करते हैं एक ऐसे ईयरफोन के बारे में जो मार्केट में लॉन्च होते ही जितना भी ईयरफोन मार्केट में अवेलेबल था नेक बैंड उसको ये पछाड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करूँ रियलमी बर्ड्स वायरलेस 2 के बारे में। इसका जो प्राइस है वो है 2299 रुपये, मैंने इसको इंट्रोडक्टरी ऑफर में खरीदा था 2000 रुपये में, एंड इस ईयरफोन में वो आपको सारा चीज मिलता है जो एक बेस्ट नेक बैंड में होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो कॉल क्वालिटी है वो इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट है, जो बाहर का नॉइस है उसको एकदम भी ये रिड्यूस कर देता है। इसके अलावा जो साउंड क्वालिटी है इसमें आपको 13.6 mm का एक बेस बूस्टेड ड्राइवर मिलता है, सो यहाँ पर आपको बेस के साथ साथ ट्रबल्स एंड जो मिड टोन है वो आपको बहुत ही अच्छा लगता है, और साथ में इसे आपको इल्डेक हाईरिज का सपोर्ट मिल जाता है, एंड इसमें आपको ANC मिलता है यानी कि एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। 25 dB तक साउंड को ये एकदम भी रिड्यूस कर देता है, मतलब कि जो AC का साउंड है, फैन का साउंड है, उसको ये 100% करीब रिड्यूस कर देता है। और साथ में इसे आपको ट्रांसपेरेंट मोड भी मिल जाता है, IPX5 का रेटिंग मिलता है, और साथ में यहाँ पर आपको गेमिंग मोड भी मिल जाता है जहाँ पे आपको सिर्फ 88 ms का लैटेंसी मिलता है। सो अगर आप गेम भी खेलना चाहते हो तो इसे आप बहुत ही इजिली गेम भी खेल सकते हैं, जो लैटेंसी वो मुझे ना के बराबर देखने को मिला। सो फीचर्स का कमी तो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, भर भर के दिया गया,
सिर्फ यहाँ पे मुझे बैटरी बैकअप में थोड़ा सा इशूज लगा है। कंपनी का दावा है कि आप इसको 22 घंटा यूज़ कर सकते हैं एक बार फुल चार्ज करने के बाद, बट मैं जब इसको टेस्ट कर रहा था तो मुझे करीब 12 से 13 घंटे के आसपास मुझे मिला है नॉर्मल कंडीशन में, 70-80% साउंड में मैं बात कर रहा हूँ। सो हो सकता है कि फ्यूचर अपडेट में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसमें पहले ऑडियो वीडियो सिंक्रोनाइजिंग का भी एक प्रॉब्लम था, वो बाद में फर्मवेयर अपडेट के जरिए सॉल्व हो गया था। अभी इसमें ऑडियो वीडियो सिंक्रोनाइजिंग का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो डेफिनेटली अगर आप एक ऐसा नेकबैंड चाहते हैं जहाँ पे आपको एक कंप्लीट सा एक्सपीरियंस मिले सभी कंडीशन में, सो ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जिस दिन से ये डिलीवर्ड हुआ है उस दिन से मैं इसको यूज कर रहा हूं एंड अभी ये मेरा डेली ड्राइवर है। और इसका डिटेल रिव्यू वीडियो और साथ में वन प्लस के साथ भी एक कंपैरिजन वीडियो किया था, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो भी ईयरफोन आप परचेस करना चाहते हैं उसके हिसाब से चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल बस आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और अगर अभी भी आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप डेफिनेटली नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।